हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने किरण 16800 का रिव्यू किया था, जिसमें मैंने किरण 16800 बुक के बारे में बताया था कि बुक किस तरह की है और किस तरह की नहीं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके पास ऑलरेडी या तो 14,000 प्लस बुक है या फिर 16,000 प्लस बुक है और वो उसी में से ही तैयारी कर रहे हैं। अब उनमें से कई सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि क्या हमारी ये बुक यूज़लेस हो चुकी है, अब हम इसमें तैयारी ना करें, क्या हमें भी 16,800 ही खरीदनी होगी। ये उनका एक सवाल क्वेरी। आज इसी के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करने आया हूँ। क्या आपको न्यू बुक लेनी पड़ेगी या फिर उसी बुक से आपका काम चल जाएगा। देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आराम से समझ लें, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, उसके बाद में आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिएगा। यस, बहुत जल्दी निराश मत हुआ करें, ना हताश हुआ करें, सभी चीज़ें आप ही के लिए हैं, आप ही के फ़ायदे के लिए मैं ला रहा हूँ जो भी ला रहा हूँ। सुने ध्यान से और उसके बाद अपना निर्णय लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमें 16,800 ही बुक खरीदनी पड़ेगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपके पास जो बुक है आप उस बुक से तैयारी कीजिए, बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए। हाँ, ये बात सत्य है कि इस बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन न्यू ऐड कर दिए गए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन जो इस बुक के थे वो इस बुक में है ही नहीं। सिंपल सी बात है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है और जो इसमें है वो इसमें नहीं। यस, तो सिंपल फंडा ये है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कोई दुकानदार पास सामान लेने जाए और वो कहेगा ये जो सामान मैं दिखा रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो सिंपल सी बात है जो दूसरी दुकानों पर वो उसके पास नहीं मिलेगा। यस, तो ये सिंपल सा फंडा ध्यान में रखें अपने आप। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी करें आप 16,000 से 14,000 से। आपके पास 14,000 प्लस है तो आप उससे तैयारी करें, अगर आपके पास 16,000 प्लस है तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगा बच्चों, बुक्स और हम एक मीडियम है आपके लिए सिर्फ एक। यस, मेन चीज़ क्या है ज़रूरी, वह आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन जो ज़रूरी है। ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं ये वो क्वेश्चन हैं बच्चों जो मार्च 2023 तक बिल्कुल लेटेस्ट पेपर जो हुए हैं उन सबको इसके अंदर एडिट किया गया है। अगर आप इसको पढ़ सकते हैं तो डेफिनेटली पढ़िए, अगर आपका मन बनता है, आपके पास समय है, आपका पैसों का बजट है, किसी भी तरह से है तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपका नहीं है बजट तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसी से काम चल जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे खरीदनी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं। मैंने सिर्फ इस बुक का रिव्यू किया है कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए कौन सी नहीं, तो ये बुक के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अंदर TCS के वो सभी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जो पिछले कुछ दिनों में TCS ने अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं। चैप्टर्स दोनों के ही सेम है, 13 चैप्टर्स दोनों में हैं, दोनों बुक्स में 13 चैप्टर हैं, वही 13 चैप्टर आपके कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर के, उसके बाद वोकैबुलरी के 4 चैप्टर हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड, रीडिंग के 3 चैप्टर हैं आपके इसके अंदर, PQRS, RC और क्लोज टेस्ट। उसके अंदर आपका फिर सा आ जाएगा बच्चों आपका एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीच एंड वॉइस और मिसिस पैट, तो 13 चैप्टर इसके अंदर दिए गए हैं तो सभी दोनों बुक्स में हैं। इस बुक्स के अंदर बस एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो इस बुक के अंदर नहीं है, यानी कि इस बुक से कुछ क्वेश्चन हटाए गए हैं और इस बुक्स में कुछ क्वेश्चन एडिट किए गए हैं। ये TCS पैटर्न पर आधारित है, ये भी पहले जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं उन पर आधारित है, तो दोनों ही बुक बेस्ट हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस बुक से तैयारी करें, अगर आपके पास 14,000 है तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका मन बन रहा है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, इससे तैयारी कर सकते हैं, इससे आपकी तैयारी में 4 चांद लगेंगे, आपका रिवीजन और मजबूत होगा, आपके और अच्छे मार्क्स आएंगे। यस, सो लगे अपनी तैयारियों में किसी प्रकार की बिना चिंता किए, और ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।